कब्र में इसके लिए कुछ तैयारी नहीं है। तो आज जो हम सुबह उठते ही शाम तक गुनाहों में मुलविस रहते हैं, ये जो बीमारी के शक्ल में, कोरोना वायरस के शक्ल में, चाहे जलजला के शक्ल में हो, तूफान की सूरत में हो, जो भी हमें तकलीफों की कमाई हो, तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया इससे हमको सुधर पकड़ना चाहिए कि हमको सुधर जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों भरे नामे आमाल जो है उसको कभी बीमारी के शक्ल में भेजता है, कभी जलजले के शक्ल में भेजता है, और कभी तूफान के शक्ल में भेजता है। तो हम मुसलमान हैं, हम इस दुनिया कमाने के लिए अपनी जिंदगी को सर्व कर लिए, लेकिन जहाँ हमें हमेशा रहना है कब्र में, उसके लिए कुछ तैयारी नहीं। जैसा कि ऐलान हुआ के कारण में ये विजिट दिया जाएगा, तो हम दुनिया के लिए 60 साल जिंदगी के लिए ये कितना दिन आप खा सकते हैं, कम से कम 4-5 दिन। तो इस दुनिया के लिए हम अपना 2 घंटा हमने 4 घंटा सर्व कर दिया, यानी सुबह से आके बैठे हुए हैं, सफ में खड़े हुए हैं, लेकिन जहां हमको हमेशा रहना है कब्र के लिए कुछ तैयारी नहीं। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आप लोग ये भी जरूरी है, और उसके साथ साथ अल्लाह और रसूल की इबादत कीजिए। अगर जो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, दिलों का चैन बेशक अल्लाह के जिक्र में है, तो हम अल्लाह तबारक व तआला को भूल बैठे हैं, जिसके सबब आज हमारे ऊपर ये नौबत आ गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतने में अपने गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मालूम है अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मौला करीम, आज के इस नेक काम में, आज के इस नेक अमल में जो लोग माली एतबार से हो, बदनी एतबार से हो, हर जिस तरह भी इसमें मदद किए हैं, मेरे मौला करीम उनके उम्र में, अमल में, सब में बरकत अता फरमा। मेरे मौला करीम हमारे उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मगफिरत अता फरमा। मेरे मौला करीम हमारे ऊपर आने वाले तमाम जमीनी आसमानी बलाओं को सरकार गौसे आजम के सदक़े में दूर अता फरमा। मेरे मौला करीम जो कोरोना वायरस के